बस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों की हिम्मत के पीछे बिहार का सिस्टम जिम्मेदार है। गया के फतेहपुर में रंगदारी के पीड़ित हीरो शोरूम के मालिक नीलेश कुमार के प्रतिष्ठान पर पहुंचे थे। पप्पू यादव ने कहा कि अपराधियों को जेल में संरक्षण प्राप्त हो रहा है। कोई भी क्रिमिनल बाहर से ज्यादा जेल में सुरक्षित है, वहां रहकर वो रंगदारी भी लेते हैं और अपना बचाव भी करते हैं। पदाधिकारी का शेयर होता है जमीन माफिया व बालू माफियों के साथ, उनकी मिली भगत रहती है। बिहार में हर चीजों में अपराधी संलिप्त है। जमीन के मामले में अपराधी आएंगे तो कब्जा करेंगे, पूरी पहाड़ समाप्त हो गई तो इनके पीछे माफिया नहीं है। जाप सुप्रीमो ने कहा कि अब माफियों गुंडों की धरती बनती जा रही है, मगर संबंध आज के परिप्रेक्ष्य में गरीबी से है, जो कभी आजादी के लिए जाना जाता था, मगर कभी समाज निर्माण की भूमिका में सबसे बड़ा भूमिका निभाया है, लेकिन वर्तमान में हम बेरोजगारी और शिक्षा के लिए जाने जा रहे हैं। दहेज वाली गरीब रथ शिक्षा के चलते नक्सल भी बढ़ा और अपराधी बढ़ा है। अपराध बढ़ाने में पॉलिटिकल की भूमिका ज्यादा है, क्योंकि नेताओं को लगता है कि उनकी जाति का वोट अपराधी दिलाएंगे। अपराधियों को आज जाति का प्रशिक्षण मिल रहा है, ऐसे में व्यवसायी कहाँ बैठेंगे, इसे समझने की जरूरत है। 56 ताकतवर जाति के लोग अपराध कर रहे हैं और उन्हें समाज और नेताओं का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। ऐसे में इस तत्व के अपराधी को कोई डर नहीं है। अपराधियों के खिलाफ अश्वनी ट्रांस क्यों नहीं हो रही है? फतेहपुर के व्यवसायी नीलेश जी के पास लगातार 6 दिन अपराधियों का फोन आया, जो कि 20 लाख रंगदारी मांग रहे थे। फिर यहां के कपड़े के व्यवसायी के पास भी रंगदारी मांगने का फोन आया था। अपराध और अपराधी को पूरी एनर्जी सिस्टम से मिलती है। नेपाली नगर में मकान तोड़ा जा रहा था तो डिप्टी सीएम को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया। गुंडों की धरती, अपराधी नेता के मिलीभगत की धरती बनती जा रही है, ये माफियाओं की धरती। मगध का नाम ही गरीब है, गरीबी का से संबंध है मगध का। जो मगध कभी आर्थिक आजादी के लिए जाना जाता था, जो मगध कभी समाज निर्माण की भूमिका में, वह कंप्लीट रूप से आज हम बेरोजगारी से के लिए जाने जाते हैं और शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। और बेरोजगारी, गरीबी के चलते और शिक्षा के चलते नक्सल भी बढ़ा और अपराध भी बढ़ा। और अपराध बढ़ने में और बढ़ाने में पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिशियन की भूमिका इसलिए ज्यादा है कि नेताओं को लगता है कि उसकी जाति का वोट अपराधी या बड़ा देखे। जैसे कोई जादव में अपराधी निकल गया, राजपूत में निकल गया, भूमिहार में निकल गया, पासवान में निकल गया, तो उस जाति का प्रोटेक्शन उस क्रिमिनल को मिल जाए। तो जब जाति का प्रोटेक्शन क्रिमिनल को मिलेगा तो व्यवसायी कहां बचेंगे? इसको समझने का प्रयास करिए। कोई चौधरी साहब, नुनिया, बनिया, जसवाल, चंद्रवंशी, खेरवार, खमार, बस इसमें कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं बनता, ये अपनी जिंदगी सस्टेन करता है। क्रिमिनल कोई ताकतवर जाति में से निकलता है और वो 5-6 है, और उस क्रिमिनल को समाज का भी प्रोटेक्शन और नेताओं का भी प्रोटेक्शन, और वो ताकतवर ज्यादा, उसको डर किसी का नहीं। नेताओं के द्वारा 3-4 सीट में निकल जाएंगे तो कोर्ट से बेल हो जाएंगे, तो ये 3 महीना में बेल मिलती कैसे, कौन करवाता है या मैनेज कैसे होता, एसपीडी ट्रायल क्यों नहीं होता? अब नीलेश जी तो काफी असुरक्षित है, तय 24, 26, 27, 29। अब शाहिद खान कपड़ा का दुकान, उसको भी कल, अब इनका मन बढ़ना शुरू होगा, ये आप देख लो। और ये जो क्रिमिनल होगा, आप इसको लिख लो सादे कागज पर, ये 4 तरह की बात समझिए।
जब पूरा अपराधियों माफियाओं को इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, उसके पीछे कौन है? किसी भी अपराधी माफिया क्राइम करने वाले हो, चाहे जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, उसके पीछे नेताओं का प्रोटेक्शन और पदाधिकारी उसके पीछे प्रोटेक्शन। दो बात याद रखिएगा, 5 आदमी पर केस होती है, 4 से 3 आदमी चार्जशीट में निकल जाते हैं और 2 आदमी 3 महीने के बाद जेल से निकल जाते हैं। तो उनको लगता है कि 20 लाख रुपया मिल गया, नहीं मिला तो मार देने में क्या हर्ज है, दूसरे से वसूल लेंगे, जेल में ही रहेंगे ना, तो जेल जाएंगे तो फिर जेल में हमको रंगदारी मिलेगी। ये जो मानसिक उसका बढ़ गया है कि ये जो मानसिक रूप से उसकी स्थिति तनावपूर्ण बनाने की है, उसमें उन लोगों को पूरा का पूरा ये सहूलियत प्राप्त जेल में मिल जाती है, जेल से एक्सटॉर्शन करने। कोई भी क्रिमिनल ग्रुप जेल से ज़्यादा बाहर से ज़्यादा जेल में सुरक्षित है और वहाँ उनको संरक्षण भी मिलता है और वहाँ से वो रंगदारी भी लेते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। पदाधिकारी का शेयर होता है जमीन माफियाओं के साथ, बालू के साथ, हैवा फोकले पैसा नेताओं का, गोली माफियाओं का, बड़ा पैसा पूंजीपति का और इन लोगों का प्रोटेक्शन। जमीन हर चीजों में अपराधी इन्वॉल्व है, जमीन माफियाओं के साथ अपराधी, क्योंकि वो डराएगा तब जाके जमीन कब्जा होगा। जमीन माफियाओं के साथ नेता, क्योंकि शेयर उनकी होती है, थाना को प्रोटेक्ट वही करे, और जमीन माफियाओं के साथ थाना। बालू तब उगाई होगी, गिट्टी तब उगाई होगी पहाड़ की, पूरी पहाड़ जो समाप्त हो गई उसमें इन माफियाओं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।